पैसों के बदले हम तालीम नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे अदा करके हम तालीम सीख सकते हैं। तालीम से इंसान की कदर होती है। तालीम याफ्ता शख्स अपने मुआशरे में पहचाना जाता है। इन ख्यालात का इजहार करस्पॉन्डेंट नॉलेज केयर वसनवर उर्दू स्कूल आदिलाबाद अब्दुल अलीम ने जैनूर में कायम गुलशन हाई स्कूल के सालाना जलसे आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाने का ख्वाब रखते हों तो उसे पूरा करने तक हार ना माने। हर किसी की ज़िंदगी में नशेब फराज आते हैं, ताहम उन हालात से डटकर मुकाबला करना ही हमारी कामयाबी का पहला जीना है। हमें चाहिए कि अपने बच्चे की मिसाली तालीम और तरबियत करें, बच्चों को उनकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, उन्हें खुद मुख्तार बनाने की कोशिश करें ताकि वो मुस्तकबिल को बेहतर तर्ज पर संवार सके। अब्दुल अलीम ने बहैसियत मेहमान खुसूसी गुलशन स्कूल के 25वें सालाना जलसे आम से खिताब करते हुए मजीद कहा कि किसी भी इदारे की बुनियाद रखी जाना बड़ी बात नहीं है, ताहम उसको एक सुई के साथ और बेहतर तालीमी निज़ाम के साथ चलाना मुश्किल भरा काम है। इदारे की तरक्की व हिफाजत की जिम्मेदारी औलिया तलबा की भी है। हर मौके पर इदारे का तआवुन करें और अपने इलाकों में कायम इदारों की हिफाजत करें। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट गुलशन हाई स्कूल जैनूर सैयद अबू मजर रजा ने औलिया तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 25 साल से इस इदारे की तरक्की के लिए अंतक मेहनत व जिद्दोजहद कर रहे हैं और इसके समरावर नतायज भी सामने हैं। मदरसे हाजा के दर्जनों तलबा व तालिबात ने आला तालीम की फरागत के बाद मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यही इस इदारे की कामयाबी है। उन्होंने गुलशन स्कूल की तरक्की में औलिया तलबा के साथ साथ शहरिया ने जैनूर व दोस्त अहबाब की जानिब से भरपूर तआवुन किए जाने पर उन तमाम से इजहार तशक्कुर भी किया। सैयद अबू मजर रजा ने आइंदा तालीमी साल से तालीमी निज़ाम में बदलाव लाते हुए स्कूल में बाज़ाब्ता अरबी तालीम का नज़्म रखने का भी तयक्कुन दिया। क़बल अज़ मौलाना मुफ्ती इरफान साहब व मौलाना रिजवान साहब ने भी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि औलाद की अहमियत उनसे जानिए जिन्हें बच्चे नहीं हैं। अल्लाह ने हमें नेक औलाद से नवाजा है तो हमें चाहिए कि उनकी परवरिश अच्छी तरह करें, उनकी ज़िंदगी सवालात के घेरे में ना आने पाए। हमारे अच्छे अखलाक व किरदार से लोग हमें पहचानना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम का नज़्म करते हुए उनकी दीन व दुनिया दोनों कामयाब करने की कोशिश करें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ज़ुलेखा खानम व शहबाज खान को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन तालीमी मुजाहरा पेश करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर फाजिल अहमद कॉन्ट्रैक्टर जामा मस्जिद सदर फैजुद्दीन करस्पॉन्डेंट ग्लोबल स्कूल जैनूर नजमुद्दीन केरला ग्रामर स्कूल करस्पॉन्डेंट जमील अहमद सोशल एक्टिविस्ट अंबाजी सामाजिक कारकुन डॉक्टर आसिफ सैयद जावेद मुकीत मदरसे हजा के असातेजा मोहम्मद अब्दुल्ला सैयद शाहिद अली अमजद खान संजय गौड़ व दीगर असातेजा इकराम के अलावा तलबा व अवलिया तलबा की सैकड़ों तादाद मौजूद थी। कौन सा भी स्कूल, मैं एक ही स्कूल की बात नहीं कर रहा, जिस स्कूल में जहां पर भी आपके बच्चे पढ़ रहे वो स्कूल की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है, वो स्कूल की तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ सीधा कहा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाला है। फिर और एक जगह पे कहा है कि कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमूना इन्नमा यतज़क्करुल उलुल अल्बाब। कह दीजिए कि क्या अहले इल्म जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत हासिल करते हैं, जाहिल और पढ़े लिखे में सबसे बड़ा फर्क यही है। कुरान मजीद ने यही कहा यालमूना ला यालमूना कहा है, जो इल्म जानता है और नहीं जानता ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमको चाहिए कि हमारे बच्चों को इल्म से मुजय्यन करे, आला परवार तक उन्हें पहुंचाए। और जिसको अल्लाह ताला औलाद नहीं देते तो उनकी तड़प देखिए कि वो औलाद के लिए कितना तड़पते हैं, ताबीज़ें भी बनाते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं, दुआएं भी कराते हैं, ख़त्म कुरान भी कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं। तो मेरी माओ बहनों, जब अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो औलाद, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद की माँ बाप की जानिब से वालदैन की जानिब से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा उसकी ज़िंदगी को सही आदाब और अखलाक की शक्ल में संवारना है। मुअज़्ज़ज़ माँ और अज़ीज़ाने गिरामी, यकीनन आज इस बात का एहसास हुआ और जब भी हम इस इलाके में जब भी जाते हैं, पहले भी जाते थे तो अक्सर ये बात सुनने में आया करती थी कि इस इलाके के लड़के और लड़कियां सारे उर्दू मीडियम सारे उर्दू पढ़ते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि उर्दू इनको कहाँ से मिल रही है।
पता चला कि अक्सर व बेशतर इस इलाके में अक्सर अतराफ अकनाफ में जो बच्चों को और जिन बच्चियों को उर्दू मिलती है वो उर्दू गुलचन हाई स्कूल से मिलती है। ये बहुत ऊंची बात है।